जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पेट में दर्द होने लगा है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द है और मैं ईडी कार्यालय नहीं आ सकता पूछताछ के लिए। आपको बताते चले कि वही पंकज मिश्रा है जिन्होंने कहा था आई एम वेट, यानी मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये उनका इंग्लिश बोलने का तरीका था कि आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब ईडी आएगी मुझसे पूछताछ करेगी, मैं तो यहीं पर हूँ, हर सहयोग करूँगा। ऐसा उन्होंने चुनौती भी दी थी कि ईडी मेरे पास आकर दिखाए, लेकिन ऐसा लगता है उनकी जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। जी आई एम वेट कहने वाले पंकज मिश्रा के पेट में अब ईडी को देखते ही पेट में दर्द हो रहा है। अब उनके पेट में दर्द हो गया, तबीयत लगातार खराब होते जा रही है। इससे पहले वैसे ये लगता है बहुत आम हो गया है कि ईडी का जब बुलावा आता है तो पेट में दर्द, पल्सरेट कम या बुखार चढ़ना आम हो जाता है। हमने आपको पूजा सिंघल प्रकरण में भी बताया था कि कैसे बार बार पूछताछ में पूजा सिंघल बेहोश हो रही थी, उनके लिए स्पेशली डॉक्टर की टीम आ रही थी, कभी पल्सरेट चेक हो रही थी, कभी बीपी चेक हो रही थी, कभी थायराइड चेक हो रही थी, हर सारी चीज, लेकिन सारे रिपोर्ट नॉर्मल हो रहे थे, उसके बावजूद भी तबीयत खराब हो रहा था। अब वही हाल ऐसा लग रहा है कि इतिहास कहता है ना, फिर से दोहराता है, तो ईडी कार्यालय न जाने कितने इतिहास दोहराएगा। पंकज मिश्रा के पेट में दर्द है और भी कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और लेकिन ईडी ने उनको दो बार समन भेज चुका है, अब वो फिर से ईडी ने कहा कि 15 तारीख का समन भेजा है कि 15 जुलाई को, ये 15 तारीख को इसी ईडी कार्यालय में उन्हें आना पड़ेगा और अपने बयान दर्ज कराने पड़ेंगे, पूछताछ में सहयोग करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि उनको उत्तराखंड में 24 घंटे के लिए हिरासत में लेके पूछताछ किया गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया, वो वापस रांची या रांची साहिबगंज गए और कहा कि मैं सहयोग करूंगा। ये तो हो गया पंकज मिश्रा की बातें। अब आपको बता दें और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि ईडी ने अपनी कार्रवाई अब बहुत तेज कर दिया, बात अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि अब समन करके पूछताछ करना शुरू कर दिया। हमने आपको बताया था कि बीते एक हफ्ते पहले 14 ठिकानों पर जो साहिबगंज में छापे पड़े हैं उनमें से दो लोगों को समन भेजकर यहां पे कल पूछताछ हो चुका है। इनमें एक संजय दीवान है और एक और उनके सहयोगी है। आपको बताते हैं संजय दीवान जो है वो संजय दीवान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्वेलरी के मालिक है जो साहिबगंज में ही है, और साहिबगंज के ये जो ज्वेलरी मालिक है इन पर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और वो साबित भी हुआ है, ऐसा FIR भी उनके खिलाफ ईडी ने किया है, उसको लेकर यहाँ पे पूछताछ हो रही है। और संजय दीवान को भी अल्टीमेटम 12 जुलाई का टाइम दिया गया है, उनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अब जो फाइल, इतने सारे नए नए जो फाइल्स मिले हैं, पिछला जो 14 ठिकानों पे हुए थे छापेमारी, इतने फाइल्स मिले हैं, पूजा प्रकरण में जब फाइल्स और व्हाट्सएप चैट जब सामने आई थी, बहुत बड़े बड़े नाम आए थे, उसी में पंकज मिश्रा और इतने सारे नाम लिंक होते चले गए। अब ये जब फाइल खुलेगा तो आप देख रहे हैं संजय दीवान और कई सारे नाम निकल के सामने आ रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ये सिंडिकेट और ये नेक्सस कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है। इसके साथ ही पूजा सिंघल के बारे में अपडेट हम आपको देना चाह रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी गई है। अब उनकी जमानत याचिका, आपको बता दें रेगुलर बेसिस पे कॉन्फ्रेंस पे ईडी में कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी सुनवाई हो रही है और प्रभात कुमार जो न्यायाधीश है ईडी के, वो लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार बेल पिटीशन खारिज हो जा रहा है क्योंकि ईडी अपने तरीके से, ईडी का कहना है हम अभी और जांच करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग एंगल से जब जांच कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं पूजा सिंघल के घर में छापा पड़ा था मनरेगा घोटाला को लेकर और पहुंच गया ये लिंक जो है ये साहिबगंज के खनन घोटाला तक और टेंडर घोटाला तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं लिंक एक दूसरे से किस तरीके से बैठ रहा है, इसलिए ईडी पूजा सिंघल को बेल देके कोई रिस्क लगता है यहाँ पर नहीं लेना चाहती है और अपने तरीके से और भी जांच करना चाहती है। ऐसे ईडी के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं शिखा से अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।